हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन सब्जेक्ट ऑफ एंटमोलॉजी। आज अपन इसके अंदर देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, इंसेक्ट जो है सांस कैसे ले रहा है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे और अपन इसको कम टाइम में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले जो है आपको बता देता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंसेक्ट के अंदर कोई मतलब लंग्स वगैरह तो होते नहीं है, ठीक है। अपने जैसे लंग्स होते हैं उनके लंग्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, द लंग्स आर द एब्सेंट इन द इंसेक्ट, देयरफॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कैरीड आउट बाय द नंबर ऑफ द होलो ट्यूब्स। उसके अंदर एक होलो ट्यूब्स होती है बहुत सारी नंबर ऑफ, एंड फाउंड इन द थोरेसिक एंड एब्डोमल सेगमेंट। थोरेसिक के अंदर, थोरेसिक पार्ट के अंदर भी हो सकती है। आपको पता है इंसेक्ट की जो बॉडी है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है वो इसके अंदर होती है, थोरेसिक और एब्डोमन के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखो क्या लिखा हुआ, थोरेसिक और एब्डोमन सेगमेंट इंसेक्ट विच इज आजकल ट्रेकिया। तो इसको ट्रेकिया बोलते हैं, ट्रेकिया के थ्रू मतलब ये जुड़ी हुई होती है, उसके ट्रेकिया होती है, उसके आगे डिस्कस करेंगे कि और पतली पतली और ब्रांच होती है उसको ट्रेकियोस बोलते हैं। पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्टोडर्मल ओरिजन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि क्या किससे जुड़ी हुई है एक्टोडर्मल ओरिजन। आपको पता है कि एक्टोडर्मल होता है, ठीक है, तो एक्टोडर्मल से है ये, ठीक है। अपन ने इसके अंदर जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब भी ये आपने देखा था। तो ये ध्यान रख लेना कि एक्टोडर्मल ओरिजन है ये। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि द फ्लोटिंग ऑफ द, ये क्या करती है कि मतलब उसके अंदर तैरती रहती है हीमोलिम्फ, ठीक है, हीमोसिल होता है इंसेक्ट के अंदर, तो हीमोसिल के अंदर ये तैरती रहती है फाइन ब्रांच, ठीक है। उसके अंदर और फाइन ब्रांच होती है उसको बोलते हैं ट्रेक्योल्स। तो अपन इसको डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे क्या ट्रेक्योल्स होती है। ये देखो इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि जो ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया, ये बाहर की जो ओपनिंग है इसको स्पाइरल्स बोलते हैं, ठीक है, और ये फाइन ब्रांच के अंदर और डिवाइड आगे इसको बोलते हैं ट्रेकियोल्स, ठीक है। तो यही बात इसके अंदर बोल रहा है। बाकी जैसे ये आगे है ना, जो ट्रेकियोल्स मैंने दिखाई थी आपको, ठीक है, ये ट्रेकियोस दिखाई थी, ये आगे और मसल से अटैच होती है जहाँ पर इसको ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होती है, और ये ट्रेकिया मैन होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात मैंने बोली थी आपको, डायग्राम के थ्रू समझाई मैंने, ठीक है। उसके अंदर बाद में देखिए, द स्पाइरल थिकनिक्स इंटेग्मा नॉन एज ए, ठीक है, टेंडिया। अब इसके अंदर ये टेंडिया क्या है बताता हूँ आपको, मतलब कि आप देख रहे हैं ट्रेकिया के अंदर, ये देखो आपको देख रही है स्पाइरल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इसको मतलब सिकुड़ने से रोकती है, ठीक है, इसको मतलब वो स्टेबिलिटी इसको देती है, ठीक है, ये स्टेबिलिटी देती है। इसलिए क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट द ट्रेकियास कोलैप्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी, ठीक है, इसको बोलते हैं टेंडिया, इन प्रेजेंट इन द ट्रेकियास थ्रू द एब्सेंट इन द ट्रेकियोस। तो ये ट्रेकियोस जो होती है फाइन ब्रांच आगे बताई थी मैंने बहुत सारी, उसके अंदर नहीं होती, ये ट्रेकिया के अंदर होती है ताकि जो है इसको कोलैप्स होने से रोक सके, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और जो बाहर इंसेक्ट की बॉडी होती है, ये इंसेक्ट की बॉडी इसके अंदर बाहर से मतलब जैसे ओपनिंग होती है ना, उसको बोलते हैं अपन स्पाइरल्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है, द एयर जनरली एंटर इन टू द ट्रेकिया एंड थ्रू द पेयर ऑफ द लेटरल आउटर ओपनिंग्स नॉन एज स्पाइरल्स एंड विच इज द सिचुएटेड इन द प्लूरल साइड ऑफ द थोरेक्सिक एंड एब्डोमन सेगमेंट। इसके बेस पर क्लासीफाई भी किया गया है। अब देखिए मैं आपको उसके थ्रू बता देता हूँ, डायग्राम के थ्रू, ये ठीक है। ये देखिए, ये सबसे बेस्ट है जिससे समझने के लिए। अब आपको पता है कि एक मिनट इसको नीचे कर देते हैं, शो नहीं हो रहा ढंग से। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आपको दिख रहा है, ये इंसेक्ट का ये बाहर का पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी की बाहर की पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने कहा था ओपनिंग होती है स्पाइरल्स, ठीक है, इसको स्पाइरल्स बोलते हैं। ये जो हो गई अपनी, ये क्या हो गई, ट्रेकिया हो गई, ट्रेकिया, और ये जो फाइन ब्रांच है ये हो गई ट्रेकियोस, ये होती है मसल से अटैच, ठीक है। अब मेन बात ये है कि इसके अंदर मतलब अब समझ लो, ये जो बाहर का जो होल है, ठीक है, जहाँ से एयर एंटर कर रही है, अंदर एक्सचेंज हो रहा गैस का, अब मान लो कि ये ब्लॉक हो जाए, हो सकता है कि पानी की बूंद जब इंसेक्ट की बारिश वगैरह हो, या फिर हो सकता है किसी की वजह से ब्लॉक हो जाए, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, उसकी वजह से वो क्या करती है कि यहाँ पर वेटिंग मतलब ऐसे वेटिंग सब्सटेंसेस सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है कि वाटर वगैरह हो यहाँ पर रुक नहीं पाता है, ठीक है। और ये मतलब उसको खुला रखने के लिए हेल्प करती है कि ताकि हमेशा खुला रहे और इंसेक्ट को जो अच्छी तरह से सांस आ सके। और इसके अंदर मैंने बताया था ये ब्रांच होती है ताकि इसको कोलैप्स होने से इसको रोक सके। तो ये जस्ट मतलब ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसके अंदर अपन को चीज़ पढ़नी क्या है, ठीक है, ये तो जनरली पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट है। अब ये देखिए मैंने बताया था वो, ये देखिए, पेरिस्टेगमिक ग्लैंड्स विच इज सिक्रेटेड द हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ द स्पाइरल्स, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि मतलब उसको रोकने के लिए, ताकि इंसेक्ट की जो ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, स्पाइरल्स वो ब्लॉक नहीं हो उसके लिए। अब ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशंस, ठीक है, जो आपने देखा था बाहर जो है उसकी क्लासिफिकेशंस है ट्रेकियल सिस्टम के, तो ये होता है एक तो होलोन्यूस्टिक। होलोन्यूस्टिक टाइप में क्या होता है कि टैन होते हैं, टैन पैर में होते हैं।
इंसेक्ट की जो बॉडी है उसके अंदर 10 पेयर स्पाइरल्स हो गए, उसके अंदर जो जो फंक्शनल होंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो 2 थोरेक्स पर होंगे और 8 एब्डोमल पर हो, उसको बोलेंगे होलोन्यूएस्टिक। ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट डायग्राम समझाता हूँ, समझ में आए। ये रहा इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट है। अब जो होलोन्यूएस्टिक है उसके अंदर समझ लो ये थोरेक्स का इतना पार्ट है, समझ लो, ठीक है, थोरेक्स का इतना पार्ट है। तो 2 तो यहाँ पर होंगे और 8 यहाँ पर होंगे, मतलब ये एक साइड की बात हो रही है, मतलब 8 पेयर होंगे। 8 पेयर का मतलब है कि 8 उधर भी होंगे उस साइड में, अपन इस साइड में देख रहे हैं इंसेक्ट को। तो 2 यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर होंगे, उसको बोलते हैं होलोन्यूएस्टिक, जो कॉकरोच के अंदर होता है, ग्रास होपर के अंदर होता है। तो ये इसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो अब अपने को ये देखना है कि मतलब अब समझ में आ गया होगा ना, 2 इधर थोरेक्स पर होंगे और 8 इधर होंगे, तो उसको बोलते हैं अपन होलोन्यूएस्टिक। ये डायग्राम इसलिए बताया हूँ ताकि आपको जो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये होलोन्यूएस्टिक हो गया। अब उसके बाद में पेरिन्यूएस्टिक, पेरिन्यूएस्टिक में एक कम हो जाएगा, 1+8, मतलब 1 तो थोरेक्स पर होगा और 8 इधर होंगे। मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 इधर होगा तो उधर भी 1 होगा, अगर 8 इधर है तो उधर भी 8 होंगे दूसरी साइड में, ठीक है। उसके बाद में हेमिन्यूएस्टिक, उसके अंदर क्या होता है कि थोरेक्स पर होता ही नहीं है, ठीक है, हेमिन्यूएस्टिक पेयर। उसमें क्या होता है कि मतलब एब्डोमन पर ही होता है 8 की 8 पेयर, ठीक है। अब होता है एम्फिन्यूएस्टिक, इसमें 1-1 होता है, 1 एब्डोमन पर होगा और 1 ही थोरेक्स पर होगा, ठीक है, तो उधर भी 1-1 होंगे। तो ये ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में। प्रोन्यूएस्टिक में 1 थोरेक्स पर ही होता है, ओनली 1 थोरेक्स पर ही होता है। अब प्रो से इसको याद करने की क्या सिस्टम है, प्रो मतलब समझ लेना पहले आता है, तो पहले क्या आता है थोरेक्स आता है, तो थोरेक्स पर समझ लेना, और बाद में मेटा मतलब बाद में, तो मेटा न्यूएस्टिक पर ऐसा समझ लेना कि एब्डोमन पर एक है, और एपिन्यूएस्टिक में, ए न्यूएस्टिक में सॉरी होता ही नहीं है, ठीक है, ए न्यूएस्टिक में होता ही नहीं। वापस देख लो इसको क्या होता है, ठीक है, होलोन्यूएस्टिक में 10 पेयर होते हैं, उसके अंदर 2 थोरेक्स पर होते हैं, 8 एब्डोमन पर होते हैं। पेरिन्यूएस्टिक में 1+8, हेमिन्यूएस्टिक पर 8 पेयर होते हैं, ठीक है, जो एब्डोमन पर ही होते हैं। एम्फिन्यूएस्टिक पर 1+1 होता है, 1 यहाँ पर होगा, 1 आगे होगा, और प्रोन्यूएस्टिक पर 1 थोरेक्स पर ही होगा, और मेटा न्यूएस्टिक पर 1 एब्डोमन पर ही होगा, और ए न्यूएस्टिक पर होगा ही नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन है, मतलब इसका ट्रेकिया का स्पाइरल्स के प्रेजेंट पे, ठीक है, बेस पे क्या है सिस्टम। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इंसेक्ट को सांस देने के लिए जो सिस्टम काम होता है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर देखिए ट्रेकिया होती है, ट्रेकियोल्स होते हैं, ठीक है, टेंडिया होते हैं, स्पाइरल्स होते हैं। तो स्पाइरल्स क्या होते हैं, स्पाइरल्स होती है कि जस्ट ओपनिंग जहाँ से होती है उसको स्पाइरल्स बोलते हैं। बाकी जो बड़ी सी ब्रांच होती है उसको ट्रेकिया बोलते हैं। इसके अंदर ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे कोलेप्स होने से रोकती है, इसको टेंडियन बोलते हैं, ठीक है। ये आगे फाइन ब्रांच में होती है, इसको ट्रेकियोस बोलते हैं, जो मसल्स वगैरह को जो है मतलब सप्लाई करती है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप एक चीज़ बताइए, जब ये एब्डोमन पर ही है और थोरेक्स पर ही है स्पाइरल्स, तो बाकी जो हेड को सप्लाई कैसे होती होगी? तो आपको ध्यान रखना है कि हेड के अंदर स्पाइरल्स नहीं होते हैं, उसके अंदर क्या होती है कि यहाँ की फाइन जो ब्रांच होती है, 2 ब्रांच जाती है हेड के अंदर, ठीक है, 2 ब्रांच जाती है। एक मिनट, थ्योरी में लिख रखा है, मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा, एक मिनट कहाँ लिखा है, चलो मैं इसको लाना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर 2 ब्रांच होती है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, इसके अंदर 2 ब्रांच होती है, और 2 ब्रांच क्या करती है कि एक तो जाती है एंटीना को, और जो इसकी आइज होती है उसको, मतलब एंटीना, आइज और ब्रेन को सप्लाई करती है, और दूसरी ब्रांच जाती है माउथ पार्ट को और द मसल्स ऑफ द जो ब्रेन होती है, मसल्स ऑफ द हेड, उसको ये मतलब सप्लाई करती है ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना कि हेड के अंदर कोई स्पाइरल्स नहीं होती है, 2 ब्रांच जाती है यहाँ से, ठीक है, एक एंटीना, आइज और ब्रेन को सप्लाई करती है, जबकि दूसरी जो सेकंड है वो माउथ और जो ब्रेन की मसल्स है उसको सप्लाई देती है ऑक्सीजन की। तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे, वापस अब तो रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो स्पाइरल्स होती है, ट्रेकिया होती है, ट्रेकियोल्स होती है, ठीक है, और जो टेंडिया होती है उसको मतलब स्टेबिलिटी देती है, कोलैप्स होने से रोकती है उसको, और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है, पेरिस्टेमिक ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती है हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स, जो इसमें जो वेटिंग नहीं हो सके, उसके ऊपर पानी वगैरह कुछ जम नहीं सके, ताकि वो हमेशा के लिए खुली रहे, ठीक है। और इसके अंदर अपने देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर होलोन्यूएस्टिक टाइप के अंदर 10 पेयर होते हैं, ठीक है, 2+8, पेरिन्यूएस्टिक में 1+8, हेमिन्यूएस्टिक में 0+8, ठीक है, और एम्फिन्यूएस्टिक में 1+1, प्रोन्यूएस्टिक में 1+0, ठीक है, मेटान्यूएस्टिक में 0+1, और एन्यूएस्टिक में 0। तो ये होता है इसका क्लासिफिकेशन। इससे क्वेश्चन आई थिंक आपके लिए हेल्प होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।